हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको चावल को बॉईल करना बताऊंगी, जो हम ओपनली बॉईल करेंगे बिना ढके हुए। ये चावल बॉईल करने बहुत ही आसान है, हर व्यक्ति बना सकता है इसको। एक कटोरी चावल है जिसको मैंने 15 मिनट के लिए सोक कर दिया था, अब इसको ड्रेन कर दिया। उसमें हम उबलते हुए पानी में ही नमक भी डाल देंगे, जीरा, बे लीफ और ये दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 1 टेबल स्पून घी, इन सबको हम चावलों को चावल के साथ ही डाल देंगे और उबलते हुए पानी में डालेंगे। पानी में बॉयल आ गया और इसमें ये सारे, ये नमक, जीरा, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा जीरा, जीरे से बहुत अच्छा कलर आता है, सब कुछ डाल दें। पानी में बॉयल आ गया, इसको ऐसे ही खुला उबलने देंगे, फिर हम देख लेंगे कि चावल गले हैं कि नहीं गले। चावल को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, सारे चावल तैर के ऊपर आ गए हैं। आप हाथ से इनको छू के भी देख सकते हैं कितने अच्छे गल गए। अब मैं इसको ड्रेन करूंगी। चावल मैंने ड्रेन कर दिया, इनको थोड़ा सा दम पे रखूंगी, फिर इनको सर्व करूंगी। अब हमारे खिले खिले चावल पककर तैयार है, मैं इनको सर्व करूंगी। हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको मांडिया बनाना बताऊंगी, जो हम चावल ओपनली बॉयल करते हैं उसके बाद उसको ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद जो पानी बचाता है उसको आप फेंके नहीं, उसको आप मांडिया बनाएं। मांडिया बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच आटा लें और इसका ये थोड़ा सा पानी डालकर लम्स से घोल बनाएं। 1 टेबल स्पून घी के अंदर मैंने जीरा तड़का दिया। अब इसके बाद मसाले, सौंठ पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, हींग और हल्दी, ये भी सब मैं इसमें डालूंगी। और ये जो हमने बनाया लम्स फ्री घोल, ये भी डालेंगे और इस पानी को भी छान के डालेंगे, फिर इसको बॉईल करेंगे। अब इसमें मैं छाना हुआ पानी को छान कर डाल रही हूँ। मैंने इसमें सब कुछ मिला दिया, जब तक इसमें बॉयल ना आए तब तक आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। बॉयल आने के बाद फिर इसको लो फ्लेम कर दें और 10-15 मिनट तक पकने दें। पानी में बॉयल आ गया, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और मैं इसको पकने दूंगी। अब हमारा मांडिया बिल्कुल बनकर तैयार है, इसको मैंने लो फ्लेम पर 15 मिनट तक कुक किया, लेकिन बीच में एक दो बार चला दिया था। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है।